Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SYBEF. So हम लोग CA continue कर रहे हैं. Fourth lesson process costing, part 7, question number 6. And इतने सारे मैं question solve करवा रही हूँ आप लोगों को. अकेला अकेले इतने सारे questions का फायदा मत उठाओ. Please अपने friends लोग को भी share करो, उनको भी help होगी. Okay? So let's continue with our question. तो क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है. एक्स वाई जेड एंड कंपनी मैन्युफैक्चर अ केमिकल विच पासेस थ्रू थ्री प्रोसेसेस. द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स गैदर्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2014. हम लोगों को यहाँ पे क्या दिया है, तीनों प्रोसेस का दिया है. क्या दिया है, मटेरियल पे जो लीटर में हम लोग जिसको यूनिट बोलते थे, यहाँ पे हम लोग को लीटर दिया हुआ है. तो हम लोग फॉर्मेट में भी यूनिट की जगह पे लीटर लिखेंगे. ओके, सो मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है, उसको अमाउंट में दिया हुआ है, वो हमारे अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा. वेजेस दिया हुआ है, नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, स्क्रैप वैल्यू दिया हुआ है, आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस एंड आउटपुट ट्रांसफर टू वेयरहाउस. मतलब हम लोग जो एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर करते हैं ना, वो टू हिस्से में डिवाइड हो जाएगा. एक हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में जो हम लोग यूजुअली करते हैं, दूसरा हो जाएगा वेयरहाउस के लिए. ठीक है, ये अलग टाइप का सम है. सो अभी इधर क्या हम लोग तीनों का दिया हुआ है, परसेंटेज पर हम लोग निकालने का, राइट. पर हम लोग को अभी इधर क्या बोला है, ओवरहेड्स आर चार्ज एट द रेट 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस के 50% क्या है, ओवरहेड्स है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स. ठीक है, हम लोग सिर्फ प्रोसेस अकाउंट बनाने का है, प्रोसेस 1, 2, 3 का एंड क्वांटिटी रिकॉन्सिलिएशन, कुछ और नहीं बनाने का हम लोग को. और क्या करने का, हम लोग को तो यहाँ पे इनपुट दिया ही नहीं है. तो हम लोग प्रोसेस वन में क्या करेंगे, हम लोग जो मटेरियल्स लेंगे लीटर में, ये जो हैगा यही हमारा प्रोसेस वन का इनपुट रहेगा. प्रोसेस 1, 2, 3 तीनों का ये इनपुट रहेगा, पर जो एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर करेंगे उसके साथ ये प्लस हो जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस में. अब कैसे होगा, ठीक है. फिलहाल मैं ये वाला इधर सॉल्व करती हूँ. क्या क्या दिया हम लोग को, टू मटेरियल्स, ठीक है. पहले कितना 400 यूनिट लीटर दिया हुआ है, अमाउंट कितना है 38,400. ओके, टू वेजेस कितना है, 7,680, ठीक है. बाय नॉर्मल लॉस 400 पे आएगा, 400 पे 4% कितना हो जाएगा 16. अभी वेट कितना दिया उसके वैल्यू का, कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा एज इट इज. ओके, 16 आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा. ये जीरो आप मान के चल सकते हो, कुछ नहीं है मतलब जीरो है यहाँ पे. ठीक है, मतलब जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज जीरो. सो यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, कोई एट नहीं है, तो लीटर आगे कन्वर्ट नहीं होने वाला अमाउंट में. ओके, आगे यहाँ पे हम लोग क्या दिया हुआ है, हम लोग का वेजेस होगा, नॉर्मल लॉस होगा, स्क्रैप वैल्यू का, आउटपुट ट्रांसफर. तो इधर दो चीज आ जाएगा, ठीक है, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू. ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बाय, दोनों एक्चुअली है, मैं ऊपर वाले में एक्चुअल नहीं लिखा मैंने, बट आप लिख सकते हो बाय एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू वेयरहाउस. ठीक है, ये दो चीजें हमारे पास, गेट इट. ठीक है, हम लोग को इधर को इधर आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस कितना 50% है, दोनों 50-50% है. यहाँ पे हम लोग के पास एक और चीज है, टू ओवरहेड्स. तो यहाँ पे आ जाओ, टू ओवरहेड्स कितना बोला है, 50% ऑफ किसका, 7,680. 50% हो जाएगा इसका 3,840. इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट इट, चेक कर सकते हो. ये चीज लिख दो, 50% ऑफ वेजेस.
सो आपको इजी होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम चलते अपने क्वांटिटी कॉन्स्टेलेशन पे। इसको आपको टोटल करो पहले। ये आपका है 49,920। ओके, अब चलते हैं। इनपुट कितना था हमारा? 400 यूनिट्स। ठीक है, नॉर्मल लॉस था 16। आउटपुट कितना आएगा? 384। नॉर्मल आउटपुट 384 मिला। एक्चुअल आउटपुट कितना आएगा ये तो हम लोग को मालूम नहीं। हम लोग कैसे मालूम करेंगे? पहले इसको काउंट आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना था हमारा? 49,920। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था तो ये एज इट इज आ जाएगा। सो ये हम लोग का एज इट इज आ जाएगा 49,920। ठीक है, इसको आपको हम लोग को एक्चुअल आउटपुट किस किस चीज में हम लोग को ट्रांसफर करना है? एक है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस। और एक है किसके लिए? वेयरहाउस, वेयरहाउस के लिए, राइट। ये दो चीज के हम लोग ट्रांसफर करने का है। सो इसको आपको 2:2 के रेशियो में से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 50% नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बोला है एंड वेयरहाउस के लिए 50% बोला है। तो डिवाइड कर आपको आएगा 192। तो यहाँ पे मैं दोनों जगह पे लिख दूंगी 192 192। अभी आपको इसको इसके साथ डिवाइड करने का है। 49,920 डिवाइड बाय 384 आपको कितना आया? 130। ये आपका 130, ये तो आपका कुछ भी नील है, राइट। ये तो आपका यहाँ पे नील आ जाएगा। ये 130 से इंटू डायरेक्टली 192 करो आप, आपको मिलेगा 24,960, राइट। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा 24,960 एज इट इज यहाँ पे भी। सो आपका ये भी टैली हो जाता है, ये भी आपको नील आएगा। ये आपको ऐसा जो सम होता है उसमें आपको हर जगह नील ही आएगा आंसर। ओके, ठीक है, यहाँ पे नील हो गया। आपको ये अमाउंट ध्यान में रखने का है। तो हमारे आउटपुट कितना था? ये कितने यूनिट्स? 192, और ये भी 192 यूनिट्स था। वेट 130 था दोनों का, और अमाउंट कितना था? 24,960। यहाँ पे भी 24,960। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 49,920, और ये हो जाएगा 400, और ये हो जाएगा 49,920, एंड ये भी हो गया 400। सो आपका प्रोसेस 1 कंप्लीट हो चुका है, राइट। मूविंग टू प्रोसेस 2, मैं जो यहाँ पे मैंने डाला है वही सेम डालूंगी और यहाँ पे इनपुट लिखूंगी। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब ये यहाँ से आएगा, कैस किसका आएगा? ये वाला 192, दोनों सेम ही, बट 192 130 24,960। ओके, मटेरियल्स कितना दिया? 208 यूनिट्स। यहाँ पे 208 यूनिट्स हम लोग लिख दिया। यहाँ पे आ जाएगा 18,800, यहाँ पे आ जाएगा 18,800 मटेरियल्स का। वेजेस कितना दिया हुआ है? 2,200, सॉरी वेजेस हम लोग प्रोसेस 2 में अभी 7,600 दिया हुआ है वेजेस। यहाँ पे आ जाएगा 7,600 एंड 50% ऑफ वेजेस। किसका? वेजेस पे 50%, 7,600 का 50% कितना होगा? इट विल बी 3,800। कितना हो जाएगा ये? 3,800। आप चाहे तो कैलकुलेट करके देख सकते हो। अब ये जो हमारा नॉर्मल बाय नॉर्मल लॉस है, ये हम लोग किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे? ये दोनों को प्लस करके इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। अब प्लस कर कितना आता है? 192 प्लस 208 कितना हो गया? 400 यूनिट। 400 इंटू कितना परसेंटेज बोला है नॉर्मल लॉस का? 5%। तो इसका 5% कितना होगा? 20। तो हम लोग 20 लीटर्स इधर लिख देंगे। वेट क्या आएगा? स्क्रैप वैल्यू का वेट कितना दिया है? 3 पर लीटर। 23 जा कितना हो जाएगा? 60। यहाँ पे मैंने 60 लिख दिया। बाय एक्चुअल आउटपुट ये कैसे मालूम पड़ेगा? मूवी इसको पर टोटल कर लो। टोटल कितना आएगा इसका? 55,160।
यहाँ पे लिख दो 55,160, ठीक है। सो नाओ हम लोग अभी कहाँ पे क्वांटिटी कॉन्सिलेशन पे, हम लोग का इनपुट कितना था, हम लोग इनपुट क्या लिखेंगे यहाँ पे, जो हम लोग ने नॉर्मल लॉस लिए थे टोटल 400, यहाँ पे मैं 400 एज इट इज लिखूंगी, माइनस 20 नॉर्मल लॉस है कितना हो जाएगा 380 को आपको कितने रेशियो में डिवाइड करना है, कितना क्वेश्चन में कितना बोला हुआ है 40 एंड 60, ठीक है 40 एंड 60 के इसमें आपको डिवाइड करने का है। पहले इधर का कैलकुलेट करते ही आ जाएगा आपका 55,160, ठीक है। और जो कितना माइनस करेंगे 60 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55,100, ठीक है। अब डिवाइड करो, सो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 380 × 40/100 कितना का 152 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए 152 माइनस 400 कर दो, जो बचा 248 वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके आप इसको इसके साथ माइनस करो, आपको सेम नीली आने वाला है, यू नो दैट, ठीक है। यहाँ पे भी नीला आएगा बट आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए आपको 55,100 डिवाइड बाय 380 कितना होता है 145 × 152 करो कितना आया 22,040। ओके अब आपको क्या करने का है 248 × 145 था ना, कितना था 55,100 डिवाइड बाय 380 145 × 248 कितना आया, ये एक्चुअली में ये हमारा 228 है बिकॉज जब मैंने यहाँ पे 400 से माइनस किया था तो 380 मेरे को मिला था, मैंने वापस 400 से माइनस किया था, अब मैं इसको कर लेती हूँ 145 से मल्टीप्लाई तो आई विल गेट 33,060 आपको नील मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग ये अमाउंट प्रोसेस टू में लिख देते हैं, सो यहाँ पे हमारा कितना है 152 145 और ये हो जाएगा 22,040, ये हो जाएगा आपका 33,060 145 वेट है एंड ये 228 है। अब आप इसको टोटल करो 55,160 और ये टोटल करो, ये कितना हो जाएगा 400, यहाँ पे भी 400 और यहाँ पे 55,160, क्लियर। आई होप आपको यहाँ तक अब तक कोई डाउट नहीं है, तो हम लोग प्रोसेस 3 पे चलते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस 2 का हमारा 152 145 एंड 22,040 वाला अमाउंट हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब मटेरियल्स कितने थे हमारे पास 168 एंड 6,000, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 168, यहाँ पे हो जाएगा ये 6,000 हो जाएगा। अब क्या दिया हुआ हम लोग के पास 2,200, ये क्या है हमारा वेजेस है 2,200, इसका 50,000 कितना हो जाएगा 1,100, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 50% ऑफ वेजेस, ओके 50% ऑफ वेजेस। नॉर्मल लॉस कितना हो जाएगा आपका, कितना परसेंट दिया हुआ है 5%, रुपीस कुछ नहीं दिया हुआ है, दोनों को प्लस करो कितना आता है आंसर, ये आपको 320 से करने का है, मैंने ये दोनों को प्लस किया है, ओके 320 × 5% कितना आता है, × 5% करो 16 आता है आपको, 16 यूनिट्स, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, क्योंकि रेट हम लोग कुछ नहीं दिया हुआ है। अब 100% ट्रांसफ़र करने का किसमें, वेयर हाउस में, नेक्स्ट प्रोसेस में कुछ नहीं है क्योंकि तीन ही प्रोसेस था राइट। अब जो भी रहेगा वो 100% कहाँ पे जाएगा, एक्चुअल आउटपुट में। इधर कैलकुलेट करते हैं कितने, ये था हमारा 320, ठीक है, माइनस कितना करेंगे 16, तो ये हो जाएगा 304 राइट, ये 304 हो गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, 100% बोला तो टोटल आ जाएगा यहाँ पे वेयर हाउस में और ये हो जाएगा नील, ठीक है। इसको टोटल करो कितना आता है आपके पास,
ये वाला टोटल करो, इसको टोटल किया तो हमें कितना मिलता है 31,340। ओके सो मैं यहाँ पे भी लिख दूंगी 31,340, इसमें से माइनस करने की कोई अमाउंट नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा 31,340। डिवाइड करो आपको कितना आ जाएगा 31,340 डिवाइड बाय 304, इट इज 103 इंटू 304 करो इंटू सेम अमाउंट आएगा यहाँ पे भी नीचे आपको 31,340 यह हो जाएगा आपका नील, राइट। यहाँ पे कितना था 103 है 0.9, तो मैं 103 लेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 103, ये कितने यूनिट से आउट 304 और ये हो जाएगा 31,340, ठीक है। यहाँ पे लिखते 31,340, ये यहाँ पर कितना है 320, यहाँ पे भी 320, ये भी 31,340। ओके सो यर वी हैव कंप्लीटेड विद अवर क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि अकेले ये वीडियोस के फायदा मत उठाओ, अपने फ्रेंड्स लोग को भी शेयर करो, वो लोगों को भी हेल्प होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।